हम लोग रेडी हो चुके हैं वृंदावन निकलने के लिए। क्यों मैडम? ठीक यस, ऑलवेज रेडी। है, आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक से, सो लेट्स सी कैसा रहता है, व्हाट विल बी आवर टूर एक्सपीरियंस। बाइक रेडी है यहाँ पर, सी दिस बाइक इज रेडी। वो अपनी GTR स्पोर्ट्स बाइक धूल मिट्टी खाते हुए ये मैडम तैयार होते हुए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, 18 किलोमीटर बचा था यहाँ से, सो 18 किलोमीटर बचे हैं यहाँ से। और आप देख सकते हो सुबह हो चुकी है, जब हम निकले थे तो अंधेरा था बिल्कुल। ये अपनी बाइक यहाँ पर। हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा है, लेकिन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बट वैसे अच्छा लग रहा है। बड़े दिनों बाद हम लोग बाइक से कोई ट्रिप कर रहे हैं। बाइक में बहुत दिनों बाद ट्रिप किया है, बट सही है, बस मज़ा आ रहा है। वो स्पोर्ट्स बाइक में मज़ा आता है या इसमें मज़ा आता? इसमें मज़ा आ रहा है। ओके, मेरा ऐसे विचार था स्पोर्ट्स बाइक लेने का, बट मैडम कह रही थी कि वो पोजीशन से है वृंदावन। आप देख सकते हैं, पहले हम जाएंगे बांके बिहारी। ये अपनी बाइक, नाउ इट्स आर टी टाइम। मेरी चाय कहाँ चली गई? चाय मत, चाय पूरी बैठ गया था वो गिर गई। सो हम लोग पहुँच चुके हैं बांके बिहारी के टेंपल के पास। हमने कहा एक एक चाय हो जाए। चाय मिल मट्ठी मट्ठी कैसी लग रही? मट्ठी अच्छी है, चाय भी अच्छी है। हाँ, मज़ा आ रहा है। हल्की हल्की सफ़ेद सफ़ेद गाड़ी ऐसा लग रहा है मैच्योर हो गए हम। और मैंने तो अपना हेड शेव कर लिया दोबारा, बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है भैया, हम लोग अब पहली बार ही आए हैं यहाँ पर वृंदावन। सबसे पहले तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभ नाम सतीश कुमार है। अच्छा, सतीश कुमार जी हैं, वृंदावन वासी हैं। अच्छा जी, तो बेसिकली जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सबसे पहले क्या हमें देखना चाहिए? सबसे पहले आपको बांके बिहारी के दर्शन करने चाहिए। बांके बिहारी के दर्शन, सम्मान वही आते हैं जी जी जी, उनके लिए आते हैं सब लोग इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े भगवान के लिए दर्शन करते हैं जी 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 जी। वहाँ से आपके लिए परिक्रमा चाहिए तो आप परिक्रमा भी लगा सकते हैं जी जी जी। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद जी परिक्रमा लगाओ तो बांके बिहारी के पास फिर दोबारा जाना पड़ेगा। अच्छा, फिर दोबारा जाना पड़ेगा? हाँ, दोबारा जो जाना का वहाँ के दर्शन करोगे पहले। अच्छा अच्छा, यहाँ से गाड़ी लेके जी जी गाड़ी को खड़ी करोगे VIP पार्किंग वहाँ जी जी जी। उस गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करके बांके बिहारी के पास दर्शन करने जाएंगे आप जी जी जी। वहाँ से फिर परिक्रमा लगाएंगे आप जी, वहीं जाकर के परिक्रमा आपकी पूरी होगी, फिर दोबारा जाएंगे वहाँ। अच्छा, फिर दोबारा परिक्रमा जा करके तो आपको मेन मंदिर पड़ेंगे जी जी, उनको भी दर्शन कर होले होले दर्शन करना है उनको। अच्छा, चील घाट है, किसी घाट है, ये घाट पड़ेंगे वहाँ। अच्छा, देखने दे। अच्छा, लायक हैं जी जी, जी। जो ब्रिज में हमारे क्या नाम है कृष्ण कन्हाई डूलते थे वहाँ घूमते थे। अच्छा, निधिवन पड़ेगा आपकी, निधिवन 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 राधा रानी का एक बगीचा है। अच्छा अच्छा, वहाँ पेड़ पौधे जी हरे भरे रहते हैं जी, और वो बारह मास ही हरे भरे रहते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें पानी नहीं लगाया जाता। अच्छा, पानी नहीं लगाया जाता, इधर पानी के हरे भरे रहते हैं। अच्छा अच्छा, पेड़ का मिलन होता है। अच्छा अच्छा, जैसे जी हम पारिवारिक हैं जी जी जी, हाँ जी, तो ऐसे ही उनका मिलन है कहने वाला राधा रानी और बांके बिहारी। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ अपना भजन करते थे जी 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 जी, अपना लीला करते थे। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा मैंने सुना है कि मतलब अगर कोई रात को चले जाए तो वो पागल हो जाता है। हाँ, अच्छा, ऐसे सच है ये? ये सत्य बात है, जो रात को अब शाम को 6 बजे ताला लगा देते हैं जी जी जी, उसका जो है तब उसकी पूजा पाठ करके आते हैं जी, तो वहाँ थोड़ा सा भोग वगैरह है, प्रसाद वगैरह है, वहाँ मिलता नहीं है। अच्छा, तुमने बताया कि यहाँ अगर कोई आता है कुछ परिक्रमा लगाता है, ठीक है, या तो अपने कर्मों की माफी मांगता है वो, या कोई चीज वो मांगने आया है यहाँ पर, गलतियाँ तो होती हैं जी जी, गलतियाँ हो जाती हैं। अब आप
जाना कहीं चाहते हैं जी जी जी, और आपने अपने दिमाग को बदल दिया जाने की क्या यार वहाँ चल रहे हैं जी, आज बाकी घर ही चल रहे हैं दर्शन करने जी जी जी। तो यहाँ के दर्शन करने से आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत लाभ मिलेगा आपके लिए जी जी। फिर आप कैसे आएंगे जी, दोबारा अपने आप चले जाएंगे, जल्दी से जल्दी आएंगे यार, ये हमारा काम इतना बढ़िया हुआ हमको दोबारा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोबारा आएंगे फिर। और भी ऐसी चीजें हमारे यहाँ वृंदावन नाम में जी, सोने का खम्बा, रंगजी मंदिर। अच्छा, सोने का खम्बा, सोने का खम्बे हैं। अच्छा अच्छा, आज भी। अच्छा अच्छा, वहाँ रथ निकाला जाता है एक साल के बाद। अच्छा अच्छा, हर साल निकाला जाता है। अच्छा अच्छा, वो कब होते हैं? वो क्या नाम है, ये गर्मियों में जो आता है, क्या नाम है, सावन भादों का महीना आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, उस महीने में ये रथ निकाला जाता है, तो पब्लिक ज्यादा होती है। जी जी जी, भीड़ ज्यादा होती है। अच्छा अच्छा, अब चल रही है अभी तो, बहुत दो तीन दिन से ज्यादा ही भीड़ है कुल मिलाकर। चलिए ठीक है भैया, अच्छा लगा आपसे। ना कुछ लेके आया, ना कुछ लेके जाएगा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रात को परमानंद नारद जी आते हैं। इधर कैप्चर करो ना, ये रात को हमारे परमानंद नारद जी आते हैं। अच्छा अच्छा, रात को आते हैं, 2:30 बजे आते हैं। अच्छा, ये जो येलो उसमें है। तो हम लोग एंटर होने वाले हैं अभी बांके बिहारी टेम्पल पे। बांके बिहारी टेम्पल पैदल चलते हुए, बाइक पार्किंग पे लगा दी हम लोगों ने। टेम्पल कौन सा है? चैतन्य महाप्रभु का। ये बेसिकली 55 ईयर्स पुराना, 5500 साल पुराना इमली का पेड़ है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा शॉप्स निधिवन के लिए। और भीड़ बहुत है, आप देख सकते हैं निधिवन में कितनी भीड़ है, बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। हम लोगों ने लगा दी है बाइक अपनी टाइम पे, जब निकले थे तो अंधेरा था और गूगल मैप से जल्दी पहुंचा दिया एज यूजुअल, और मज़ा आया बहुत दिनों बाद ट्रिप करके, रियली एंजॉयड द ट्रिप। एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं कि थोड़ा कोल्ड है, सैटरडे संडे को तो बहुत भीड़ होती है, हालत ख़राब हो गई थी, कई लोग बच्चे लेके आए हुए थे, बच्चे दब रहे थे, लेडीज दब रही थी, ठीक है, बट क्या करें, लोग दर्शन करने थे एंड पीपल वर। तो मैं ये कहूँगा सैटरडे संडे मत जाओ, बहुत भीड़ है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं, ठीक है, हर जगह, तो हमें भी कुछ मिले बेवकूफ़ लोग, और वो पूजा की जगह पे आके भी उनका मूड अलग ही उसमें रहता है, ठीक है, तो ये सब टाइप के लोग मिलते हैं, तो उनको अवॉइड मत करो, उनको सेट करो, मैं तो ये कहूँगा, बिकॉज
आप अवॉइड करोगे किसी और के साथ पंगा करेंगे। तो मैंने तो थोड़ा बहुत सेट भी किया एक आध बंदे को, बट ठीक नहीं है। मतलब जिस आप माइंडसेट से जाते हो ना वो सब कुछ चेंज हो जाता है फिर, बट ओवरऑल ठीक था। 2 बजे तो हमने पूरा कवर कर दिया था सारा का सारा, एंड यू कैन सी हर टकला। ठीक है, अबे एक बार बाल तो दिखाओ, ये देख सकते हैं आप टकली। सो बाय फॉर नाउ, मिलेंगे नए व्लॉग में दोबारा से। और बहुत टाइम बाद व्लॉग बनाया बिकॉज ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, थोड़ी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, कोल्ड वोल्ड था, फीवर था। ये तो खैर रिसेंटली हुआ है, बट उसके अलावा भी कुछ काम वाम थे तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट कोशिश करते हैं कि फिर से ट्रैवल करें। थैंक यू फॉर नाउ।